नमस्कार बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप लोग रोज सबसे रूबरू होते हैं, आनंद जी ने परिचय भी करा दिया। राजस्थान में लक्ष्मी जी का त्यौहार है, शीघ्र दिवाली आने वाली है और राजस्थान की बेटियों की स्थिति आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। आज राजस्थान की बेटियाँ भयभीत हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत की सरकार है। आज राजस्थान की बेटियां डरी हुई हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है। आज बेटियां घर से निकल नहीं रही हैं क्योंकि राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है। और इतनी ही नहीं, जिस तरह से वो लोग दम भरते हैं महिलाओं के स्वाभिमान की बात करने, प्रियंका गांधी राजस्थान आती हैं और महिलाओं के दर्द को बांटने की चेष्टा नहीं करती हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। मित्रों, मैं 48 घंटे का पूरे 5 साल का ब्यौरा दूंगी तो बहुत ही लंबे आंकड़े हैं और बार बार आप लोग के सामने हमने प्रस्तुत किया है। आज मैं केवल 48 घंटे के आंकड़े आप लोग को देना चाहती हूं कि राजस्थान की, अन्य हमारे पूरे जिलों की स्थिति, हमारी बेटियों की, बहन की क्या स्थिति है, वो आप लोग के पास थोड़ा सा उसका आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगी। पहली घटना आप लोग को याद दिलाना चाहती हूँ, दुष्कर्म की है। हनुमानगढ़ के पीलीभंगा में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, ये सिर्फ 48 घंटे की रिपोर्टिंग मैं आप लोगों को कर रही हूँ। धौलपुर में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म, सिरोही में रोहिरा में 13 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म, राजसमंद में के रेल मगरा में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, चूरू में 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, जयपुर के चोमू में युवती से दुष्कर्म, अजमेर के रामगंज इलाके में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की, अजमेर में दरगाह कमेटी के सहायक नाजिम ने महिला टीचर से अश्लील हरकत की, बाड़मेर के सदर इलाके में महिला के साथ गैंग रेप। ये 48 घंटे के 11 आप के सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। 12वां जो प्रस्तुत करने जा रही हूं वो बहुत ही खतरनाक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ताल ठोकते हैं कि हम महिला सुरक्षा में बहुत अव्वल है और महिलाओं की बहुत चिंता करते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि प्रतापगढ़ के, उसी प्रतापगढ़ में जहां नग्न युवती को पूरा घुमाया गया था, इसी राजस्थान में दो बेटियों ने उसी प्रतापगढ़ जिले में आत्महत्या की थी। और आज उसी प्रतापगढ़ जिले में जो उनके विधायक प्रत्याशी हैं रामलाल मीना, उनके पिता पे बलात्कार का आरोप लगा है। ये सीधे तौर पे गहलोत साहब के दामन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पहले दो मंत्रियों पे लग चुका है, आपको मालूम है, जौहरीलाल मीना और आदरणीय महेश जी के बेटे के रूप में, उनके बेटे, और इस बार तो जो कैंडिडेट है उनके पिता पे ही लगा है ये आरोप। तो राजस्थान की बेटियां कितनी डरी हुई हैं, कितनी सहमी हुई हैं। वो 50,000, वो 2,00,000, वो 35,000 बलात्कार प्रति घंटा बलात्कार, आप इससे आकलन कर सकते हो कि राजस्थान में बेटियों की क्या स्थिति है। कुल मिला के प्रियंका जो आके उत्तर प्रदेश में जाके बहुत बोलती हैं और कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अब राजस्थान की बेटियों ने भी तय कर लिया है। प्रियंका जी, आप लोग के माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की बेटियाँ, आप कह रही है कि राजस्थान की बेटियाँ, बेटी हूँ इसलिए बच सकती हूँ क्योंकि मोदी जी की सुरक्षा की गारंटी है। ये जवाब राजस्थान की बेटियाँ उनको दे रही हैं। कुल मिला के हमारा राजस्थान जो सम्मान के लिए जाना जाता था, आज रेगिस्तान के लिए जाना जा रहा है। कुल मिला के जो अगर घर की लक्ष्मी और घर की बेटी, घर की माँ सुरक्षित नहीं है, वो राज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मुझे लगता है कि गहलोत साहब के ताबूत में ये जो कील ठुक रही है उसमें ये महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार की महत्वपूर्ण गहरी कील है जो उनको सत्ता से बाहर करेगी। और आप लोग देखेंगे कुछ ही समय में। मैं अब आगे की बात के लिए राखी को, जिस तरह से सुमन दीदी ने कहा कि महिला की जो स्थिति राजस्थान में है उसी को आगे बढ़ते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस विषय पर आज प्रकाश डालना चाहती हूँ वो राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं तो फकीर हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि फकीर वो नहीं है और उनकी जो भ्रष्टाचार की नीतियां रही, उनकी जो गलत नीतियां रही, उनका ये कारण रहा कि राजस्थान अब फकीरी की स्टेज पर आ गया है। आज जिस तरह से आज राजस्थान के अंदर अगर बच्चा जन्म लेता है
तो जन्म के साथ ही उसके ऊपर 80,000 रुपए के कर्ज के साथ में जन्म लेता है। ऐसी स्थिति अगर किसी ने यहाँ पे डेवलप करी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार है। जिस भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस के साथ में 2018 में हमारे राज्य में कांग्रेस पार्टी आई थी, उस भ्रष्टाचार के लिए जिस तरह की पॉलिसी अपनाई, हमने देखा कि अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली के साथ साथ जिस तरह से राजस्थान की वित्तीय स्थिति है, जो रोडवेज कर्मचारी हैं हमारे 13,000 कर्मचारी, उनके वेतन उनको नहीं मिल रहा है। लगभग 90 करोड़ का जो अमाउंट है वो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा। बुजुर्ग विधवा व विशेष योग्यजनों को पेंशन नहीं हम दे पा रहे हैं। RDFC में दुग्ध उत्पादकों को 2 माह से अनुदान नहीं दे पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा, एक बाल गोपाल योजना स्टार्ट की थी जिसमें स्कूल्स के अंदर बच्चों को दूध पिलाने की योजना थी। लगभग 4 साल बाद उस योजना का शुभारंभ पिछले साल हमने सुना कि जब डब्बे स्कूल्स के अंदर खराब हो गए, मिल्क पाउडर में कीड़े लग गए, उसके बाद उसे स्टार्ट किया। लेकिन आज ये स्थिति है कि उस मिल्क पाउडर के सप्लाई के पेमेंट जो है वो अटके हुए हैं, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के अंदर उन बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा। जिस तरह से राजस्थान के अंदर अभी ये स्थिति है कि दवाइयों के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा अवेलेबल हम नहीं करा पा रहे हैं, और लगातार SMS के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं उनको 11 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्यों ऐसी स्थिति हुई कि जो 3 लाख करोड़ का कर्ज था, जो आजादी से लेकर के अब तक का 2018 तक का अमाउंट था, वो आज क्यों 5.37 लाख करोड़ के आसपास राजस्थान के अंदर आ गया। आने का एक ही कारण है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार की जो सीमाएं लांघी, उसी का कारण है कि DOIT डिपार्टमेंट के अंदर सोने की ईंट पैसा मिलता है। वो ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे सरकार खुद बैठती है, जहां जो ऐसा डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री जी के अंडर का डिपार्टमेंट है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा रही, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि इनके खुद के विधायक, चाहे वो भरत सिंह कुंदनपुर हो, जिस तरह से राम नारायण मीणा जी हो, उन्होंने लगातार इस बात का उठाया कि सरकार के अंदर कोई सुनवाई नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और वही कारण है कि आज राजस्थान, जो कि बहुत एक रिसोर्सेस में बहुत सारे स्कोप्स हो सकते हैं, लेकिन इस करप्शन वाली जो नीति है इसके कारण, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 200 विधानसभाओं के अंदर 200 मुख्यमंत्री बिठा रखे थे, जिस तरह से खुली छूट मिली है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, यही कारण है कि आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति बिल्कुल धरातल पर आ गई है। और जब बहुत सारी योजनाओं की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, जैसे उन्होंने अभी कहा कि 1,04,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए महीना देंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 10,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, इस बात का रोड मैप भी महिलाएं जानना चाहती हैं। महिला जानना चाहती हैं कि जो आपने प्रोमिसेस पहले किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। मोबाइल्स की बात आपको मालूम है कि मोबाइल्स बात हुई थी कि 1,40,00,000 के आसपास मोबाइल बटेंगे, लेकिन 40,00,000 मोबाइल भी पता नहीं बटे हैं कि नहीं बटे हैं। कुछ बात आप लोगों की भी कर लो, तो लैपटॉप बांटने की बात आप लोगों को भी कही थी, हमने सुनी, लेकिन मिला नहीं हमें लैपटॉप। तो जिस तरह की स्थिति है, सिर्फ अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। जो वित्तीय स्थिति राजस्थान के अंदर अभी चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो घोषणाएं की गई हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। हम इतना डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि जो गारंटीज दे रहे हैं उनका रोड मैप क्या होगा, किस तरह से वित्तीय प्रबंधन करोगे, किस तरह से यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, जिससे बेसिक नीड्स को हम फुलफिल कर सके, वो कहीं पर है नहीं। इसलिए महिलाएं झांसे में आने वाली नहीं है। सुरक्षा की बात सुमन जी ने कही, उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्थिति अगर खराब है तो गारंटीज जो है वो जीरो पे रहेंगी। एक फकीर मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं, वो खुद फकीर ना होकर के राजस्थान को फकीरियत पे लाके खड़ा किया है, इस बात का बहुत अफसोस है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।